गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली एंड रिलेटिव्स, कैसे हैं आप सब? और बताइए क्या हो रहा है? सुबह मॉर्निंग की चाय चल रही है भाई। हमारा तो सुबह सुबह जो होता है ना, चाय तो होती नहीं है, लेकिन हाँ वेट लॉस ड्रिंक होता है। और आज मैं मेथी का पानी को बॉईल कर रही हूँ और इसको पीऊँगी छान के। तो ये लीजिए, देखिए हो गया हमारा मेथी का पानी अच्छा से बॉईल। अब हम इसको छान के ना ठंडा करके थोड़ा सा जितना मैं पी सकती हूँ इतना ठंडा करूँगी और मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी। बहुत ही बढ़िया है ये 32 बार और मेरा जादू है एकदम। तो फ्रेंड्स, घर का जो काम है वो डेली रूटीन का वो चलता रहता है और मशीन भी मैंने लगा रही हुई है। तो फ्रेंड्स, सोच रही हूँ कि आज 32 बार फॉर्मूला के साथ अपना स्किन पे भी ध्यान दिया जाए। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम सबकी फरमाइश पूरी करते रहते हैं, सबके लिए टाइम निकालते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस यहाँ पे ना मैंने सोचा कि आज पील ऑफ लगा लें। और फ्रेंड्स, ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ पील ऑफ में ना कॉफ़ी मिलाकर, तो ये मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आज पहली बार लगा रही हूँ, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। मैंने सुना है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, एकदम चेहरा क्लीन हो जाता है, जो डेड स्किन होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है और जो टैनिंग वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं कॉफ़ी पैक लगा रही हूँ पील ऑफ के साथ। अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट होगा तो फ्रेंड्स आपको भी मैं इसकी सलाह दूंगी कि आप भी लगाएं। और मुझे लग रहा है शायद मेरी बहुत सी बहनें करती भी होंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे में पील ऑफ अप्लाई कर दिया है विद कॉफ़ी, और थोड़ा सा रह गया वो मैं हाथ से करी फिंगर से, तो इसको इसके ना सूखने का वेट करती हूँ, और जब ये सूखेगा तब मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या इसका रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे ना ये सूख गया है फ्रेंड्स, देखिए। और इसे ना ऊपर की साइड से ही उतारना चाहिए, क्योंकि नीचे की साइड से उतारोगे तो आपका जो स्किन है वो लटक सी जाएगी। तो मुझे लग रहा है हाँ काफ़ी फ़र्क है, लेकिन इसको उतारते हुए ना मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जैसे आप थ्रेडिंग बनाते हैं ना इस टाइप से, मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन हो रहा था। और मेरे फेस पे ना हल्के हल्के जो रुए से होते हैं बाल हैं वो मुझे लग रहा है क्लीन हो गए हैं काफ़ी। तो ये देखिए, मुझे अपना चेहरा काफ़ी साफ लग रहा है पहले से, और जो मेरा रह जाएगा फेस पे उसे मैं मुंह धो दूंगी। और स्वस्थ होंगे और वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में 32 बार फार्मूला की दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, और मॉर्निंग में आपको अब पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्या लेते हैं। और बस वो जीरा वाटर या अजवाइन वाटर या मेथी वाटर कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन मतलब जो हमारा हेल्थ ड्रिंक वाटर है ज़रूर लेते हैं हम मॉर्निंग में। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा 32 बार फॉर्मूला करते करते आज स्किन की भी थोड़ी सी केयर कर ली जाए, अपनी मतलब फिटनेस की तो केयर करते ही हैं और अपनी हेल्थ की भी केयर करते हैं 32 बार फॉर्मूला में, और भाई ज़्यादा मोटे ना हो इसका भी ध्यान रख रहे हैं हम, 32 बार चबा चबा के खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब अपनी स्किन की भी केयर कर लूँ फेस पे। वैसे ना मतलब एक हाउस वाइफ को ना बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा टाइम निकाल ही लिया है, क्योंकि अब थोड़ी सर्दियाँ भी हल्की सी कम हो गई हैं और बच्चे गए स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो लग रहा है मेरा? मैंने आज ना पील ऑफ आता है ना उसके, मैंने एक वीडियो देखी थी पील ऑफ आता है तो उसको उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली थी, और मुझे मैंने फर्स्ट टाइम कराया, मैंने देखती रहती थी मैं वीडियो, पर कभी मैं अपने ऊपर ट्राई नहीं करा। तो आज मैंने पहली बार ट्राई कराया फ्रेंड्स, अब मुझे देख के बताना कि सच में ही ग्लो आ रहा है या मुझे कैमरे में लग रहा है। वैसे मैंने कुछ भी मतलब अभी इसमें ना एडिट वगैरह फ्लैश लाइट कुछ भी नहीं है, जो है आपके सामने रियल है। बस मैंने ना वो पील ऑफ लगा के कॉफ़ी में मिला के ना, और बस एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई और कुछ नहीं करा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अब मुझे बताना कि वाकई में ये जो कॉफ़ी पे मिला के पील ऑफ लगाते हैं असर कर रहा है कि नहीं। और फ्रेंड्स, 32 बार फार्मूला की जर्नी हमारी जारी है। और फ्रेंड्स, अगर नया चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आज के ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे वो अब सूख चुके हैं, और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इन दिनों में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बस जो कॉटन के होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सोच रही थी यहीं धूप में बैठ के मैं कपड़ों की तय बना लेती हूँ। तो आज कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे फ्रेंड्स, सर्दियों में ना
बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और मुझे ना बच्चों की ड्रेस की वजह से हर तीसरे दिन मशीन लगानी पड़ती है। फ्रेंड्स मुझसे ना हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते, पहले मैं धो लेती थी हाथ से थोड़े बहुत, लेकिन अब नहीं धोए जाते बिल्कुल भी हाथ से। तो मैं जब भी धोती हूँ तो मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं सब कपड़ों की तह बना रही हूँ, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो मैं जल्दी से सोच रही थी कि सारे कपड़ों की तह बना लेती हूँ। और बच्चे गए हैं स्कूल और स्कूल से आएंगे तब मैं उनको खाना बनाऊँगी। खाना वैसे भी मैं सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी, बस उनके लिए जब वो आएंगी या तो वो दूध लेती हैं या फिर पराठे सेक देती हूँ, जो भी कहती हैं। लेकिन बच्चों के पास ना टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है आजकल, क्योंकि पेपर हैं तो ट्यूशन भी जाना है और सारे दिन बेचारी मतलब बिजी सा रहता है। तो देखिए बात करते करते कपड़ों की भी हो गई है। फ्रेंड्स अभी ना मैं बाहर कपड़ों की तह बना रही थी, धूप में तो इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे ना पसीने तक आने को तैयार हो गए थे। और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ अपने रूम में आई हूँ, मुझे फिर से थोड़ी सी ठंड लगने लगी। अभी ना ऐसी मौसम चलेगा कि आप मतलब बाहर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, घर में रहोगे तो सर्दी लगेगी। तो अभी ऐसा ही मौसम आने आ रहा है। और फ्रेंड्स इस मौसम में ना सबको ना कोल्ड ज़रूर होगा, क्योंकि मौसम चेंज होगा तो जुकाम वगैरह तो चलेगा ही। तो फ्रेंड्स अपना केयर करना सब। और फ्रेंड्स अभी बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ लंच। और मैंने ना आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है, बस बच्चे आएंगे तब मैं उनको पराठे सेक के दे दूँगी। आजकल ना बच्चों के पास फ्रेंड बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मतलब जैसे ही स्कूल से आते हैं और मतलब चेंज करते हैं ना यूनिफॉर्म, उसके बाद बस ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वहाँ से आते हैं फिर पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो लगी हुई है दोनों मेहनत करने में। और फ्रेंड्स मैं अपने यूट्यूब पे मेहनत करती रहती हूँ, मतलब कुछ अपना अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ और साथ साथ बच्चों का भी टाइम देती हूँ अब तो, क्योंकि मैं पेपरों में तो ज़्यादा ही बच्चों को टाइम देती हूँ। वैसे एक बार को ना दूँ लेकिन पेपरों का टाइम तो बहुत ज़्यादा देती हूँ मैं बच्चों पर ध्यान। और फ्रेंड्स 32 बार फॉर्मूला है। तो अभी मेरा तो लंच हो गया था हमारा सबका, बस बच्चों के लिए बना रही हूँ। और 32 बार फॉर्मूला में बस यही एक छोटा सा काम है कि आप 32 बार चबा चबा के खाओ, और जब भी खाना खाओगे तो उसके एक या आधे घंटे बाद आपको गर्म पानी पीना है। और ग्रीन टी ले सकते हैं आप एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद। या फिर फ्रेंड्स एक मैंने लेमन उसमें कॉफ़ी में डाल के पिया था तो मुझे उससे भी काफ़ी फ़र्क लग रहा है। और दूसरा एक फ्रेंड मुझे कमेंट आया था कि आप ना रात को खाना छोड़ दो उसकी जगह, बस मतलब फ्रेंड्स रात को खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ अगर जैसे आपको खाना नहीं खाना तो कुछ भी खाओ, हल्का फुल्का कुछ भी खाओ रात को, लेकिन रात को खाना ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जब रात को खाना नहीं खाओगे और फिर अगले दिन आपको किस टाइम मतलब 8 बजे कम से कम आपका 8-10 घंटे तो गैप हो जाएगा, तो इतना गैप नहीं रखना है फ्रेंड्स। अगर आपको भूख नहीं है तो सब्जी सब्जी खा लो या फिर दाल बनी हो दाल पी लो, लेकिन हल्का फुल्का जो भी आपको खाना है कभी भी रात का खाना ना छोड़ें फ्रेंड्स, ज़रूर खाएं। और चलिए अब बच्चे आ गए हैं, मैं बना लेती हूँ उनके लिए पराठे, और सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी दोपहर में। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चे आ गए हैं लेकिन बच्चों ने ना खाना खाने से मना कर दिया कि खाना नहीं खाएंगे। तो फिर बस मैंने जल्दी जल्दी ना फिर इनको चीला बना दिया है, क्योंकि कुछ तो खाएंगे भाई स्कूल से आए हैं, तो ऐसे तो नहीं मैं इनको ट्यूशन भेज सकती। तो बस यहाँ पे मैंने इनके बच्चों के लिए चीला बना दी, फिर मैं अपने लिए लेमन कॉफ़ी बनाऊँगी। और फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और मैं यहाँ पे अपने लिए लेमन कॉफ़ी बना रही हूँ। फ्रेंड्स मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा है, लेमन कॉफ़ी से ना बहुत जल्दी वेट लॉस भी होता है। तो एक बार जो भी नहीं जिसने भी नहीं पिया है आप एक बार ज़रूर पी के देखना। वैसे तो मॉर्निंग में पीते हैं इसे, लेकिन मैं इसको शाम को ही लेती हूँ। और फ्रेंड्स 32 बार फॉर्मूला बहुत ही सही तरीका है वेट लॉस करने का, वज़न घटाने का। तो यहाँ पे बस मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ लेमन कॉफ़ी। और फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।